जितने भी हमारे और पित्र होंगे उनके लिए ये, और बाकी ये दो थाली जो जिनका मतलब श्राद्ध है, मेरे दादा और चाचा है ना। यहाँ पे आ रही थी मैं भैया उनके घर में, तो यहाँ पे दीदी और दीदी अंदर है, और दीदी तो नहीं आ रही बाहर, बल तू अच्छी हो रखी है, थोड़ा ठीक ही है, ठीक है ना, अपने अनुमान जी ठीक है, बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक हो रखी है। लेकिन कल कूटने की वजह से हाथों में बहुत दर्द हो रहा है, हाथ इतना दर्द कर रहे है ना। तो ये है मेरे दादाजी और ये मेरे चाचा जी। जय माँ भगवती दगड़ियो, कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए व्लॉग में, उत्तराखंड के पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से, और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं घर से। तो आज मैं घर से व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, तो आज घर में ही है, मतलब कुछ स्पेशल। स्पेशल क्या है, आज हमारे घर में श्राद्ध है, तो आज मेरे दादाजी का और मेरे चाचा जी का श्राद्ध है। बाकी अभी मौसम की बात करी जाए तो हल्का हल्का कोहरा लगा, हल्का हल्का क्या, सुबह से कोहरा ही लगा, और अभी मौसम बिल्कुल ख़राब जैसा लग रहा है, तो देखते हैं दिन तक क्या होता है। और यहाँ पे लालू महाराज लेटा है, लालू सेजो तुम। तो अब अंदर चलते हैं और अंदर देखते हैं अंदर क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे पापा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो पापा? सब्जी बना रहे हैं, सब्जी। सब्जी तो पापा सब्जी बनाएंगे, और माँ आप? तो माँ को आटा गूंथने का काम भी ना, और बाकी पापा सब्जी, और यहाँ गैस में बन रही है खीर। तो वैसे पूरी पकौड़ियाँ वगैरह भी बनानी थी, लेकिन दादी ने भी बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं, बस नॉर्मल सब्जी रोटी बनाओ। और वैसे श्राद्ध दिल्ली देते हैं मेरे ताऊ जी, लेकिन यहाँ हमने जो भी मतलब अपने पितरों को देना है वो हम अपनी तरफ से देते हैं, और श्राद्ध तो मेरे ताऊ जी दिल्ली देते हैं। तो सब्जी बन रही हमारी तोरी, और इसमें छीमी भी मिला रखी है, तोरी और छीमी मिक्स करके, और उधर माता श्री आटा गूंथ रही है। तो यहाँ पे सब्जी बनने की तैयारी हो रही है, और मुझे काम मिला है इलायची कूटने का, तो मैं इलायची कूटूंगी। और इसमें क्या है, इसमें है ड्राई फ्रूट्स। तो अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड हुआ था केवल सब्जी रोटी बनाएंगे, और अब मेरी माता श्री बोल रही है बल पूरी और पकौड़ी भी बनानी है। तो क्यों हमारा बता रहा था दिन बता, वही तो आज उनका ही दिन था है ना। तो मेरी माँ का कहना है बल आज पितरों का दिन है, तो अपनी तरफ से जो बन सकेगा वो बनाएंगे, तो इसलिए दादी के लिए रोटी भी बनाएंगे, और पितरों के लिए पूरियाँ भी बनाएंगे, और बाकी पकौड़ियाँ भी बनाएंगे। तो मम्मी पूरी बेलने का काम कर रही है, और मुझे पूरी तलने का काम मिला है ना। तो पकौड़ियाँ बन गई, तो पूरियाँ बन गई, और अब पकौड़ी बनने का कार्यक्रम है, और पूरियाँ माता श्री ने बनाई और पकौड़ियाँ मैं बना रही हूँ। तो इस पकौड़ियों में मिला रखा है हमने आलू, आलू कद्दूकस करके, और मुंगरी और मिर्ची, तो ये तीन ही चीज़ें मिला रखी है, बाकी बेसन वगैरह जो भी मसाले वगैरह हैं तो उनसे भरी है। और ये हमारी पकौड़ियाँ पीली पीली दिख रही हैं इसे। थाली में इसलिए रखा जा रहा है, एक थाली में दादाजी के लिए और एक थाली में चाचा जी के लिए। और ये नीचे क्यों रखा पापा? तो जितने भी हमारे और पितर होंगे उनके लिए ये, और बाकी ये दो थाली जो जिनका मतलब श्राद्ध है मेरे दादा और चाचा का, तो उनके लिए, और बाकी जितने भी पितर छूट गए उनके लिए। तो खाने में बन रखी है खीर, रायता, सब्जी, पूरी, पकौड़ी और रोटी, तो इतनी सारी चीजें बना रखी हमने आज खाने के लिए, तो ये सारे हमारे पितरों के लिए। तो मैं नदी में भी आ रखी हूँ, तो मैं कपड़े भी धोऊंगी और गाय भैंसों के साथ भी आ रखी हूँ। तो अभी तो मैं अकेले ही आ रखी हूँ, अकेले क्या, सभी लोग गाय भैंसों को छोड़ के इधर उधर गए हैं काम पे, और फिर थोड़ी देर में सभी लोग लेने आएंगे, और जब तक लोग लेने आएंगे तब तक मैं कपड़े धोती हूँ। तो अब नदी में चलते, और आज नदी में कोई नहीं आ रखा, आज नदी में मुझे अकेले ही धोने पड़ेंगे कपड़े। तो आज ये बात सही है कि पत्थर खाली मिल गया,
बस वहीं पे मैंने अपनी चुन्नी छोड़ रखी, तो वहाँ पे कपड़े धोने चलते हैं। कपड़े तो ला रखे हैं मैंने धोने के लिए, लेकिन कल कूटने की वजह से हाथों में बहुत दर्द हो रहा है। हाथ इतना दर्द कर रहे हैं ना, क्या करें, अब कपड़े तो धोने हैं और उसके बाद घर में जाके मंडवे की कुटाई भी करनी है। और क्योंकि अब धूप लगी है बड़ी मुश्किल से, तो जल्दी जल्दी निपटा रहे हैं सब कुछ। बाकी अब आप लोगों को पता ही है, 2-3 दिन में शादी भी है, तो शादी के दिन भी पास में आ रहे हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी सफाई भी हो रही है और फिर जो घर की में ये मंडवा वगैरह है इनको भी जल्दी जल्दी निपटा रहे। और धूप भी बड़ी मुश्किल से लगी और हाथ में दर्द भी बड़ा खतरनाक हो रहा है। तो कल अब पता नहीं कब से नहीं कूटा था ऐसा, फिर ऐसे कूटो तो फिर दर्द तो होता ही है। अब जैसे तैसे अब कपड़े धोने हैं, पहले फटाफट से कपड़े धोते और फिर आगे की वीडियो बनाते हैं। अभी टाइम 12 बज गए और अब जाके मेरे कपड़े धुल गए और 2 घंटे लग गए पूरे कपड़े धोने में। और इतना टाइम इसलिए कि कपड़े बहुत कम लाई थी ना मैं, तब जल्दी धुल गए। तो कपड़ों की संख्या देख सकते हैं हम, पूरे यहाँ से लेके वहाँ तक जितने कपड़े हैं ये हमारे ही घर के। और इन पे ज़्यादा टाइम लगता है, दर्री वगैरह ये चादर वगैरह पर, क्योंकि ये जो दर्री वगैरह ये थोड़ा ज़्यादा टाइम में धुलते हैं तो इन पे ज़्यादा टाइम लगता है। और ऐसे पानी तो सही हो रखा था, मतलब ठंडा नहीं हो रखा था, तो जल्दी धुल गए। जल्दी भी क्या, 2 घंटे में मेरे कपड़े धुल गए। चलो फाइनली धुल गए। जब मैंने स्टार्ट किया था मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, एक तो कोई नहीं था, आज थोड़ा छुई लगाने के लिए कोई चाहिए होता ना, अगर 2 लोग रहते तो फिर बातें करते करते पता नहीं चलता। और तब उस टाइम तो मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, लेकिन धुलते धुलते इतने कपड़े धुल गए और अब बड़ा सुकून मिल रहा है कि इतने सारे कपड़े धुल गए। तो अभी टाइम दिन के 2 बज रहे और अभी मेरी तैयारी हो रही है भैया उनके घर जाने की। तो जो भैया हमारे पंडित लगते हैं तो उनके घर जा रही हूँ मैं, जो भी पितरों के लिए चढ़ाया गया था उसे इसमें पैक करके और उसे देने जा रही हूँ। वैसे तो उन्होंने आना था सुबह, लेकिन वो बिजी थे तो इसलिए नहीं आ पाए, इसलिए मुझे अभी देने जाना पड़ा। बाकी जो खाना वगैरह था वो तो प्रसाद के रूप में हमने ही ग्रहण कर लिया, नहीं तो उन्होंने आना था सुबह तो पितरों के हिस्से का आधा उन्होंने खाना था और आधा हमने खाना था। बाकी जो भी हमने पितरों के लिए रखा था उसको देने जा रही हूँ मैं। और 2 बजे भेज रहे हैं मेरे घर वाले मुझे ज़बरदस्ती, इतनी थकान लगी थी ना गाय के साथ से आने के बाद, लेकिन क्या करें मजबूर में, बल जा जा जल्दी जा, अब जा रही हूँ। और दिन के टाइम में तो यहाँ पे सांपों का डर भी लगता है कि कहीं पे सांप ना दिख जाए, कहीं पे गोलू ना दिख जाए। और धूप भी लगी और इतनी थकान लगी थी, मन कर रहा था बस लेट जाऊँ खा पी के, लेकिन क्या करें भेज रहे हैं। और वहाँ से भी बल खाली मत आना, वहाँ हमने चक्की में थैला रखा है तो उसे भी लाना है, तब चलते हैं। तो यहाँ पे आ रही थी मैं भैया उनके घर में, तो यहाँ पे दीदी और दीदी अंदर है, और दीदी तो नहीं आ रही बाहर, बल तू बल हमारी लौंकी और गोदड़ी दिखा ले। तो लौकी देखो कहाँ पे लगी है तार में, ये देखो लौकी तो यहाँ पे देखो दीदी, उन्होंने लौकी की बेल के लिए कैसा सिस्टम किया वहाँ तार लगा के। तो सही है, एक लौकी वहाँ पे लगी है, बाकी एक लौकी इधर लगे और उंगली से नहीं बता दे वो। और यहाँ पे दूसरी दीदी जम्बू दीदी यहाँ पे मिर्च सुखा रही है। दीदी मिर्च अच्छी हो रखी है ना,
अच्छी हो रखी है, थोड़ा ठीक है, ठीक है ना, अपनी आजमाइश ठीक है, बिल्कुल अपने हिसाब से ठीक हो रखी है, अपने हिसाब से खाने के लिए ठीक है। हाँ, खाना खा लिया आपने? अभी खाया, अभी खाया, अभी भात खाया था, खा गया। आप सो जाओ नीचे रख के, थोड़ा सा आराम करूंगी, थोड़ा सा आराम। अच्छा बनो, नहीं अभी तो मैंने भी अभी खाया, अभी मैं थोड़ा लेट हूँगी जरा। अच्छा, दादी को अभी हल्का फुल्का बुखार है। अच्छा ठीक है, सो जाओ फिर अब, ठीक है, सो जाएंगे, थोड़ा सा ये मारते अंदर ढोलेंगे। हाँ, इनको अंदर ढोलो तब अभी सरक आ जाएगा, नहीं तो ये तो भीतर बैर ही करण भीतरी क्यों बना जी तुम क्या बाल्टी लेके मत करो का तो खेड़ लगा थे। हाँ दीदी बताने छी तुम था अगर बड़ी तुम हिरन बना छी मर्ची सी की तुम्हारे ये बना मिल बॉडी मर्ची दिखानी है बॉडी मर्च कर होएगी लाल बना छी ओए कक साड़ी का है ये बुआ तमा का नहीं थे वो सफेद सफेद है जी फिर से दो चार दिन से लापता चार आज फिर से घर आ रहा है लालू असुजा मैंने काम कराने से क्या हम तीन जो तो ध्यान नहीं रहनी चाहिए दे बंज दे लालू बंज दे ना दूसर दे दे ना यो ना ना दूसर ये वाला दे 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 लालू है लालू। तो अभी टाइम रात के 10 बज रहे और खाना पीना हमारा सब कुछ हो गया और दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। अब आज का व्लॉग ऐसे ही बन गया और मैंने बोला कल से मस्त वाले व्लॉग आएंगे कल से क्योंकि शादी के फंक्शन स्टार्ट है। बाकी अपनी तरफ से मैं मस्त व्लॉग बनाने की कोशिश भी करूंगी और मस्त मस्त चीजें दिखाने की कोशिश भी करूंगी। बाकी तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे लगते हैं व्लॉग। और कल शिशु भी आएगा घर तो उसकी भी थोड़ी बहुत खुशी है। बाकी अब इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। आशा करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो लोग हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कल मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। धन्यवाद।